आज हम सीखेंगे हमारे सौर मंडल के कुछ मजेदार फैक्ट्स। सौर मंडल, जो हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, अपने आप में कई रहस्यों और अद्भुत तथ्यों से भरा हुआ है। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ अनसुने और रोचक तथ्य। तो सबसे पहले, जानते हो सूरज कितना भारी है? सूरज, जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, उसकी विशालता और ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पूरे सौरमंडल का 99.86% हिस्सा, जी हाँ, हमारे सारे ग्रह, चांद, यहाँ तक कि एस्टेरॉयड भी सूरज के सामने कुछ नहीं। सूरज की इस विशालता के कारण ही सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि यह सभी ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को अपनी ओर खींचे रखता है। यह शक्ति ही हमारे सौर मंडल को एकजुट रखती है। अब बात करते हैं वीनस यानी शुक्र की। शुक्र ग्रह को अक्सर धरती की जुड़वां कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और संरचना धरती से मिलती जुलती है। इसे अक्सर धरती की जुड़वां कहते हैं, पर वहां इतनी गर्मी है कि सीसा भी पिघल जाए। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत घना और गर्म है, जिससे वहां जीवन की संभावना नहीं है। और मजे की बात ये कि वीनस पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन बिताने के लिए 243 धरती के दिन लगेंगे। यह तथ्य इसे और भी अनोखा बनाता है। शुक्र ग्रह की धीमी गति और विपरीत दिशा में घूमने के कारण वहां का एक दिन इतना लंबा होता है। यह ग्रह अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। मंगल की बात करें तो वहां का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स करीब 22 किलोमीटर ऊंचा है। यह ज्वालामुखी इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह तो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। ओलंपस मॉन्स की विशालता और ऊंचाई इसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बनाती है। अब बारी है जुपिटर यानी बृहस्पति की। बृहस्पति, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। जुपिटर के 79 चांद हैं। इनमें से 4 सबसे बड़े, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, को गैलीलियन मून कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने इन्हें 1610 में खोजा था। गैलीलियन मून्स की खोज ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी थी। ये चांद अपने आप में कई रहस्यों और अद्भुत तथ्यों को समेटे हुए हैं। शनि के छल्लों यानी रिंग्स की बात करें तो वो बहुत पतले हैं। शनि के छल्ले बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं, जो इसे एक अद्वितीय और खूबसूरत ग्रह बनाते हैं। सोचो, अगर वो 1 किलोमीटर चौड़े हों तो उनकी मोटाई 1 बाल से भी कम होगी। शनि के छल्लों की यह विशेषता इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यूरेनस तो अजब है भाई। यह ग्रह अपने अनोखे घूर्णन के लिए जाना जाता है। वो अपनी साइड पर घूमता है, यानी उसका एक ध्रुव सूरज की तरफ और दूसरा बिल्कुल अंधेरे में। यह ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। यूरेनस की इस अनोखी घूर्णन गति के कारण वहां के मौसम और दिन रात के चक्र भी बहुत अलग होते हैं। यह ग्रह अपने आप में एक रहस्य है। नेपच्यून की हवाएं पूरे सौरमंडल में सबसे तेज हैं, 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, तूफान से भी तेज। नेपच्यून का वातावरण बहुत ही उग्र और तूफानी है। अब बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो, जो अब एक बौना ग्रह माना जाता है, अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। प्लूटो का एक दिन करीब 6.4 धरती के दिनों जैसा है। यह ग्रह अपने धीमे घूर्णन के कारण एक दिन पूरा करने में इतना समय लेता है। अब भले ही इसे बौना ग्रह कहते हैं, हमारे दिलों में इसकी जगह हमेशा रहेगी। प्लूटो का हमारे सौरमंडल में एक विशेष स्थान है। तो ये थे सौरमंडल के कुछ अनसुने फैक्ट्स। हमारे सौरमंडल में और भी कई रहस्य और अद्भुत तथ्य छिपे हुए हैं, जिन्हें जानना बहुत ही रोमांचक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी और घंटी भी दबाएं, ताकि नए वीडियो मिस ना हो। शुक्रिया और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम और भी रोचक तथ्यों के साथ वापस आएंगे।